तो इनविजिबल हस्बैंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मीटिंग रखी जाती है, सामने से ये बात आती है भाई ये मेरे बाबू यहां पर, ये भी तुम्हारे पीस रहेंगे और ये समझिए भाई ये उनकी यहां पर, यानी भाई मेरी दोस्त भी है साथी मेरी दुश्मन भी कहलाएगी, बस मीटिंग इज एडजस्ट, बस भाड़ में जाओ, इतना बोलकर सारे बंदे को भेज देती है और अपने प्रिंस से कहती है प्रिंस बोलिए आपको कैसा लग रहा है। अब दो दो एरिया के प्रिंस यहाँ पे बन गए, फ्लेम डेनिस्टी के भी और साथ ही हमारे डेमन किंगडम के भी। इसका दिमाग का दही कह रहे यार इसने सामने से क्या किया, अपनी जो महारानी थी ना वो भी कहती कि एक सन डेमन की बच्ची है तूने क्या किया, ये कहती क्या किया मीटिंग किया, हाँ मैंने मीटिंग किया और क्या, जो सुंदर महारानी कहती है वेल एक सेकंड ये जो तूने आज मीटिंग किया सेम ऐसा ही मीटिंग तू पहले भी हमेशा करती थी, ये कहती यस पहले भी ऐसा करती थी, इन शॉर्ट में तो इंप्रूव हो गई तुमने जो मुझे अच्छा महारानी कैसे बनते महारानी वाला काम तो जब से सीखा है ना मैंने आज पहले के मुकाबले और अच्छे से मीटिंग किया। महारानी कहती भाई तू इंप्रूव कहाँ हो यार तूने पहले से अलग क्या किया, ये कहती पहले ना भाई गुस्से के मारे में कुटाई भी कर देती थी मार पिटाई भी करती थी आज मैंने किसी को नहीं मारा। तो अपनी महारानी उसकी जो लड़की लोग थे ना उनकी ओर देखती थी सच्ची में यार पहले से ऐसी थी वो लोग मुंडी हिलाती यस। तो अपनी महारानी का दिमाग का दही किया अरे यार डेमन की बच्ची जो कुछ मैं तुझे सिखाया ना लगता नहीं कि तूने कुछ भी सीखा, तेरा दिमाग तेरे घुटनों में नहीं तेरे बड़े बड़े अरमानों के अंदर है। तो अपने प्रिंस भी शर्मा जाते कि अरे यार पब्लिकली ऐसे बातें मत किया करो, फिर अपना जो ड्रैगन स्पीड यहाँ पे था ना उससे पूछता सुनो भाई हम लोग तो यहाँ पर आ गए हैं तो हमारे साथ जो टियानजिन पेविलोन साथ ही में हमारा फ्लेम डेनिस्टी और साथ ही में यांग एपायर ये तीनों जो एरिया यहाँ पर उसको भी जोड़ देना इस डेमन किंगडम के साथ, तो वो भी कहता हाँ तो भाई अफकोर्स जोड़ देंगे और क्या। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं जोड़ जाने के लिए, एक एरिया में आते हैं और सामने से प्रिंस का ओके ठीक है यहाँ पे ऐसा स्पेस कट कर दूंगा और फिर साथ ही में चीनों के तीनों जो डेनिस्ट है उसको निकाल के जोड़ दूंगा ठीक है ना। जो सुंदर डैगन स्पीड कहते क्या ठीक है यार यहाँ भी लोग रहते हैं अगर आपने ऐसा किया ना उनका एरिया ये एरिया के ऊपर आ जाएगा हाँ तो यहाँ के लोग का क्या होगा यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। प्रिंस कहते यहाँ यहाँ के लोग कैसे जाएंगे क्या होगा, सुनो यार जब मैंने जोड़ा था ना भाई क्या बोलते ये तीनों को अपने फ्लेम डेनेशी के साथ उस समय सब कुछ यहाँ पे ठीक था, वो लोग ना आपस में आके कनेक्ट हो गया था और यूँ उसके अंदर यहाँ पे बराबर चल रहा था। इस सब कुछ ऐसा करने की कोशिश करो तो ये जो पूरा है ना किंगडम ये भी समझो इस स्पेस में एक एरिया यहाँ पर है और जो बाकी तीन मेरे साथ फ्लेम डेनेशी हैं जिन पेविलो ने यंग है पर वो भी समझो स्पेस में उड़ता उड़ता एक एरिया है। तो आपस में ना सबको अगर मैंने कनेक्ट यहाँ पे कर दिया ना तो मिलजुल के ऐसा रह लेंगे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा ये सोच रहता हो वैसा इसने किया और अच्छे से हो जाता है, चारों डेनेस्टी आपस में सेटल हो चुके एक के साथ ऐसे छिपा के रहते बॉर्डर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। कहता है प्रिंस देखो भाई हो गया और अपना ड्रैगन स्पीड यहाँ पे हिला का हिला रह जाता है कि एक सेकंड ऐसा भी हो सकता है ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था, मेरे ख्याल से हेवन का रूल है कि ऐसा नहीं कर सकते लेकिन शायद इसने प्रिंस ने हेवन का रूल तोड़ दिया। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पावर यहाँ पे होती है ना तो हेवन भी अपना रूल तोड़ के तुम्हारे लिए नया रूल तैयार कर देता जैसे कि इसके लिए हुआ। उसको दिए कांड यहाँ पे खत्म हो चुका है, आराम से बैठकर ने खाना पीना खा रहा था, खाते खाते ने ड्रैगन स्पीड सामने से आइडिया देते कि सुनिए ना प्रिंस आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो ना, दुनिया में खाली ये सारे डेनेस्टी नहीं बल्कि ढेर सारी और भी डेनेस्टी और बहुत सारे किंगडम यहाँ पे इस एरिया में उस एरिया में फैला हुआ है तो चाहे तो सबके राज करके वहाँ के भी महाराज बन सकते हो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, इससे आपका भी फायदा होगा वहाँ के भी फायदा होगा कि भाई वहाँ को भी आपको जैसे कमाल का राजा उनको मिल जाएगा ना। ये कहता अच्छा उसके लिए अरे बड़ा मेहनत का काम यार हमसे नहीं होता, ड्रैगन स्पीड कहते एक सेकंड बस इसके लिए मेहनत का काम इसके लिए आपको नहीं करना पसंद। ये कहता ऑफकोर्स भाई मुझे बस चाहिए एक प्यारी सी आराम सी जिंदगी जहाँ पे आराम से भाई नाचूँ गाऊँ खेलूँ कूदूँ अपनी ऐश की जिंदगी काटूँ, मुझे कहीं का राजा बनना कहीं पर ऐसा कब्जा करना ये करना वो करना मुझे पसंद है यहाँ पे नहीं। हालांकि आई नो मेरा फायदा होगा उनका फायदा होगा लेकिन मुझे जितना फायदा भी मिले ना उतना फायदे में खुश हूँ, मुझे और यहाँ पे नहीं चाहिए बस ऐश वाली जिंदगी चाहिए। उतने में दोनों महारानियाँ झगड़ा करी थी भाई बेटी को लेकर कि नहीं भाई ये बेटी मेरी है, दूसरी कहती नहीं भाई ये बेटी मेरी है और सबके सब वहाँ पे आ जाती है और हंसी खुशी का माहौल यहाँ पे था। सामने से टियान भी कहता यस ऐसा ही हंसी खुशी का माहौल यहाँ पे मेंटेन करो, मरा मरा माहौल होता है ना जहाँ पे लो लड़ाई झगड़ा नो कुछ भी नहीं तो भाई बिल्कुल भी है ना मजा यहाँ पे नहीं आता। अरे यार छोड़ो चलो खाना खाने पे ध्यान दो, तो सब लोग बैठ के ना आराम से खाना खाते हैं और तभी टियान को एक मीट का पीस खिलाने के लिए दोनों महारानियाँ ने एक मीट के टुकड़े के लिए झगड़ा करती है। सबसे पहले अपनी महारानी कहती है वो सुन भाई बड़े अरमान वाले दिमाग नाम के तो चीज़ें नहीं, जो कुछ खाली अरमान यहाँ पर है वो आखिरी पीस ना मेरे लिए यहाँ पर है मेरे प्रिंस के लिए मेरे प्रिंस मेरे हस्बैंड के लिए। जो सुंदर डेमन की बच्ची कहती तेरे पास तो है ही नहीं तो दूसरे को देखना बड़ी जल्दी यहाँ पर है और ये प्रिंस मेरे प्रिंस है मैं उनको खिलाऊंगी। तो प्रिंस खुद बीच में उंगली करता है मीट का टुकड़ा लेता है और खा लेता है और ये कहते हो कि भाई मेरे लिए था ना लो मैंने यहाँ पे खा लिया। ये दोनों भी कहते हैं नेवर माइंड जिसके मुंह में जाना था उसके मुंह में तो वैसे भी चली गया। अपना प्रिंस कहते कि समझो अभी हमारा फ्लेम डेनिस्ट है तुम्हारा जो डेमन डेनिस्ट है एक ही यहाँ पर हो चुका आपस में कनेक्टेड हो चुका है जिससे कि मैं समझो हम लोग यहाँ पे दोस्ती हो गए हैं तो भाई ये दोस्त ना हम लोग रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर देते हैं यानी भाई दोस्ती को ना बह
बहन भाई जैसी जो स्ट्रॉन्ग दोस्ती होती है ना, वो ऐसे में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ के भी लोग और वहाँ के भी लोग ने मिल बांट के अपना काम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ मतलब वहाँ जा सकते हो, वहाँ से ट्रेवल करके ना यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाना चाहूँगा, जो डेमोन एरिया के लोग रहेंगे ना उनका डॉक्यूमेंट स्पेशल के यहाँ पे हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं, और दूसरा जो हमारा फ्लेम डेनेशी है ना उसका रहेगा यहाँ का डॉक्यूमेंट, ताकि भाई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रहे कि हम लोग यहाँ से आए वहाँ से आए। कैसा लगा मेरा आइडिया? सामने सीए कहती अपनी डेमोन किया, सीए 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 आइडिया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। मैं तो ये कहती हूँ दोनों जो कोड यहाँ पे दोनों कोड को भी साथ में कन्वर्ट कर देते, एक ही कोड बना देते, उस पर मैं भी जाऊँगी, तुम्हारी महारानी भी जाएगी, और हम लोग वहीं पर साथ में मीटिंग करेंगे, सबको देश में क्या क्या करना है वो मेंटेन करेंगे। जो सुनते अपनी महारानी ना जो से मारती है डेमोन को, कहती है साली भाई सारी मुझे तेरी बातें समझ आ रही है, तुझसे महारानी वाला एक काम भी होता नहीं, तू चाहती कि मैं तेरे साथ यहाँ पर आ जाऊँ ताकि तुझे कोई काम करना ही ना पड़े, जो काम है ना दोनों देश का मैं अकेले यहाँ पे करूँ, बहुत फ्री का यहाँ पे फोकट में मेरा फायदा उठाएगी, बिल्कुल भी ना, चले मेरे साथ, जो भी तुझे अच्छी महारानी बनने का मैं लेक्चर देती हूँ ना वो डबल लेवल की चौपल यहाँ पे कर दूंगी। तो सामने से डेमोन भी चलती कि नहीं यार मुझे अच्छे से जीने दो, अरे प्रिंस मैनू बचा लो, प्रिंस भी लाइक क्या क्या मुझे किसी ने बुलाया, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रहा, अपनी लड़कियों से मदद मांगती कि लड़की लोग तुम तो कुछ करो, वो दोनों भी कहती है अपनी महारानी से, तीनों अपनी महारानी से कहती है कि अच्छा जाइए महारानी जी हमारी महारानी को सुधार दीजिएगा, आई होप आप भी ना उनको एक अच्छी महारानी बनवा दे आपके जैसे। उसके बाद यहाँ पे शीन शुद्ध कुछ दिन बाद अगर आपको याद होगा फ्लेम डेनेस्टी में हमारे प्रिंस ने कमाल का दारू लॉन्च किया था, जिससे वो उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, मीट वगैरह उसने स्पेशली सुअर और बहुत सारे जानवरों को लॉन्च किया था जिससे उनका सेल और बढ़ गया था, वही दारू यहाँ पे बेचा जा रहा है। ये कह दो कि हमारे यहाँ के महारानी ने ये करके बनाया वो बनाया ये बनाया, हाई कीमत यहाँ पर है भाई कौन बाई करेगा, तो सर लोग बोलना चालू करते भाई 100, कोई बोलता 200, कोई बोलता 500, कोई बोलता 800, यानी जिसका हाई यहाँ पर हुआ ना उसको यहाँ पे मिलेगा। एक बंदा पीछे से बैठे बैठे मीट खाता है, उसको मीट अच्छा लगता है, कहते ओ माय गॉड क्या मीट यहाँ पर है, तो बेचने वाला कहता है यस मालूम है ये मीट किसने यहाँ पे बनाया है, बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे कमाल के द ग्रेटेस्ट हमारे प्रिंस है, जो कि भाई एक तो बॉडी कल्टिवेटर है, बॉडी कल्टिवेटर की जो लिमिट होती है उन्होंने लिमिट क्रॉस की थी दोनों महारानियों के बीच में, भाई हमेशा 16 करवाया है, दोनों देशों के यहाँ पे जुड़ा है, उनको कहा जाता है द प्योरेस्ट ऑफ राइस। तो ये सारी बातें हमारे प्रिंस को भी मालूम चलती है और उसका दिमाग कहता है कि अरे यार मेरे यहाँ लोग मुझे सॉफ्ट राइस बुलाते थे, बीवी पर डिपेंड होने वाला मुझे लगा यहाँ पे आने के बाद ना लोग नहीं बुलाएंगे, अरे यहाँ पे तो और ज्यादा लोग है भाई, अब तो मेरा नाम यही सेम फैल जा रहा है। उतने में आसमान से एक लड़की आती है जो एक ढम से हमारे प्रिंस पे गिरती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अपना प्रिंस नोटिस करता है अरे बाप रे आसमान से आजकल लड़कियां कब गिरने लगी है, और एक सेकंड इसका बाल तो एकदम सिल्वर है जैसा मेरी दुनिया में सिल्वर बालों वाली लड़की ने मुझे बचाया था उसके जैसा, हाँ लेकिन मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद है, उसका चेहरा और इसके चेहरे में फर्क है, और मैं तो कन्फ्यूज हो जाता, मुझे लगता सच्ची में वही लड़की है लेकिन ये दूसरी लड़की है। और तभी आसमान में एक पोर्टल यहाँ पे दिखा देता है जो देखे अपना ड्रैगन स्पीड कहता है भाई पोर्टल ओ मैं समझ गया पक्का ने किसी और एरिया की होगी, इसके पीछे कोई पड़े हुए रहेंगे जिन्होंने इस पर अटैक किया, तो इसने जैसे तैसे पोर्टल वोटर ओपन किया और अपनी जान बचा कर आई और डायरेक्ट आप गिर गई, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।